इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवभूमि में जहां कहीं भी अवैध कब्जे होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी काम हो गया है, कमेटी अंतिम मसौदे को तैयार करने में लगी। अवैध अतिक्रमण जहाँ भी होगा उसको हम सख्ती से हटाएंगे और हमने सभी को कह दिया है कि स्वतः ही जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ है, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है उसको स्वयं हटा लें, अन्यथा कुछ दिनों के बाद तो सरकार हटाएगी, प्रशासन हटाएगा ही। वही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान देहरादून से किमाड़ी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और मरम्मत को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही गणेश जोशी ने मसूरी के लिए स्वीकृत 3 किलोमीटर लंबी टनल के शिलान्यास के लिए गडकरी को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया है। नितिन गडकरी ने टनल के शिलान्यास के लिए उत्तराखंड आने का भरोसा दिया है। तो दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गणेश जोशी ने आज नितिन गडकरी से मुलाकात की, उत्तराखंड की सड़क परियोजनाओं को लेकर दोनों के बीच चर्चा भी हुई और साथ ही साथ उत्तराखंड आने का भरोसा भी नितिन गडकरी ने गणेश जोशी को दिया है। इधर उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी की फॉरेस्ट चीफ पर ताजपोशी हो गई है। हालांकि ज्वाइनिंग करने के दौरान भरतरी को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वो समय से ही वन मुख्यालय पहुंच गए थे मगर उनके दफ्तर की चाबी नहीं मिली, मगर अब राजीव भरतरी को आखिरकार ज्वाइनिंग मिल गई है। आपको बता दें कि पिछले साल राजीव भरतरी को फॉरेस्ट चीफ पद से हटा दिया गया था और विनोद सिंगल को नया फॉरेस्ट चीफ बना दिया गया था। इस मामले में राजीव भरतरी इस आदेश के खिलाफ कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पहुंचे थे, जहां से उनके पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन इस फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट में भी राजीव भरतरी के पक्ष में ही फैसला सुनाया। मेरी रिट याचिका में आदेश पारित किया था उसके अनुपालन में आज, और जो शासन ने भी अब निर्देश जारी कर दिए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाए, तो इन दोनों निर्देशों के क्रम में मैं प्रमुख वन संरक्षक को उत्तराखंड का कार्यभार पुनः ग्रहण कर रहा हूँ। प्रकरण में अभी भी न्यायालय में अलग और वाद हैं मौजूद, तो इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत संतोष की बात यह है कि इस समय, जबकि एक पिछली बार जब मैं हॉक बना था और मैंने चार्ज लिया था, तो जबकि मैंने चार्ज जनवरी में लिया था, तो उसके बावजूद भी इस सारे राज्य में जो है वनाग्नि का प्रकोप था, और जो कि मार्च तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही बृहद रूप उसने आकार लिया था, तो इस वर्ष सौभाग्य है कि ये जो वर्षा ऋतु हुई है उससे वनाग्नि की फिलहाल चुनौती रुकी कम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।